ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया भारत का अपवाह तंत्र। भारत में विश्व के कुल जल संसाधनों का 4% भाग है। प्रोफेसर KL राव के अनुसार देश में कम से कम 1.6 किलोमीटर लंबाई की लगभग 10,360 नदियां हैं, जिनमें औसत वार्षिक प्रवाह 1,869 अरब घन मीटर है। भौगोलिक दृष्टि से अनेक बाधाओं, विषम वितरण के कारण इसमें से केवल 690 अरब घन मीटर या 32% सतही जल का ही उपयोग हो पाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध पारंपरिक भंडारण एवं प्रवाह मोड़कर पुनः आपूर्ति के योग्य लगभग 433 अरब घन मीटर जल प्राप्त किया जा सकता है। सतही जल का सर्वाधिक प्रवाह सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र में है, जो कुल प्रवाह का 60% है। देश की वार्षिक जल प्रवाह संभाव्यता की विस्तृत तस्वीर से स्पष्ट होता है कि देश में कहाँ जल संसाधनों का अभाव है तथा कहाँ पर्याप्तता एवं अधिकता है। सर्वप्रथम नदी बेसिन के अनुसार गंगा, गोदावरी व कृष्णा के पास बड़ा अपवाह क्षेत्र है, जहाँ अनेक वर्षा क्षेत्र है। गंगा बेसिन का विस्तार दक्षिण पश्चिम में चंबल, सिंध, बेतवा, केन तक है। कृष्णा बेसिन में पर्याप्त वर्षा मिलने के उपरांत भी इनके प्रवाह क्षेत्रों में अनेक शुष्क क्षेत्र अवस्थित है। पूर्व की ओर प्रवाहित अधिकांश नदियां पश्चिमी घाट से निकलती है, जो पर्याप्त वर्षा वाले स्रोतों से पोषित है। फिर भी पश्चिमी घाट के पूर्व में महाराष्ट्र के धुले से बीजापुर बेलारी तक वृष्टि छाया क्षेत्र पाया जाता है। इसी प्रकार पूर्वी भाग में पर्याप्त जलापूर्ति वाली नदियां प्रवाहित होती है। देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता सन 2001 में 1816 घन मीटर प्रतिवर्ष थी, जो सन 2011 में घटकर 1545 घन मीटर हो गई तथा यह सन 2025 में 1341 घन मीटर प्रति वर्ष व सन 2050 में घटकर प्रति व्यक्ति 1140 घन मीटर प्रति वर्ष हो जाएगी। उत्तरी भारत की नदियों का अपवाह तंत्र। उत्तरी भारत की नदियां हिमालय पर्वत में स्थित हिमनदों व झीलों से निकलती है, इसी कारण ये वर्ष भर प्रवाहित होती है। पहला, सिंधु नदी तंत्र। तिब्बत क्षेत्र में मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखर चू के निकट एक हिमनद से इस नदी का उद्गम होता है, जो समुद्र तल से 5,182 मीटर ऊंचा है। यह अपने उद्गम स्थल से आगे लद्दाख के त्वेहक नगर को घेरकर बहती है, जिसमें आगे चलकर कराकोरम दर्रे के पास जांस्कर नदी मिलती है। दाईं ओर इसमें सयोक, गिलकित व काबुल नदियां आकर मिलती है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2,880 किलोमीटर है, जबकि कुल अपवाह क्षेत्र 11,65,500 वर्ग किलोमीटर है। भारत में इसका अपवाह मार्ग 1,114 किलोमीटर का है। इस नदी से 3,21,289 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र लाभान्वित होता है। भारत और पाकिस्तान में प्रवाहित होती हुई सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। भारत में इसका अपवाह क्षेत्र
जम्मू कश्मीर, पंजाब। भारत में इसका अपवाद क्षेत्र जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा चंडीगढ़ में है। दूसरी, झेलम नदी। यह कश्मीर घाटी के दक्षिण पश्चिम भाग में वेरीनाग में स्थित एक झरने से निकलती है। यह अपने उद्गम से उत्तर की ओर 110 किलोमीटर दूर वूलर झील में प्रवेश होती हुई दक्षिण पश्चिम में बहती है। इसमें बारामूला व अनंतनाग के मध्य नौगम्य मार्ग है। मंगला इसकी सहायक नदी है। यह पाकिस्तान में झांग के समीप चिनाब से मिल जाती है। यह भारत में 1180 किलोमीटर बहती है, चिनाब नदी। यह सिंधु की सहायक नदियों में सर्वाधिक लंबी है। हिमाचल प्रदेश के लाहुल में स्थित टांडी के समीप बारालाचा दर्रा, चिनाब नदी। यह सिंधु की सहायक नदियों में सर्वाधिक लंबी है। हिमाचल प्रदेश के लाहुल में स्थित टांडी के समीप बारालाचा दर्रा इस नदी का उद्गम स्थल है। यह चंद्रा व भागा नामक धाराओं से मिलकर बनी है, अतः हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा कहते हैं। बारालाचा दर्रा की समुद्र तल से ऊंचाई 4883 मीटर है। भारत में चिनाब नदी की लंबाई 1180 किलोमीटर है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र 26,755 वर्ग किलोमीटर है। इस नदी का नाम संस्कृत में अस्कनी या चंद्रभागा है। रावी नदी। यह सिंधु की एक प्रमुख सहायक नदी है। पीर पंजाल तथा धौलाधर श्रेणियों के बीच स्थित बांगालह बेसिन का रोहतांग दर्रा कुल्लू इस नदी का उद्गम स्थल है। यह पंजाब की एक छोटी नदी है और इसे लाहौर की नदी के नाम से भी जाना जाता है। बांगालह बेसिन समुद्र तल से 4,570 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भारत में रावी नदी की लंबाई 725 किलोमीटर है और इसका अपवाह क्षेत्र 5,957 वर्ग किलोमीटर है। इस नदी का नाम संस्कृत में परुषणी अथवा इरावती है। व्यास नदी। यह सिंध की एक अन्य सहायक नदी है। यह रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड 4,000 मीटर ऊंचाई से निकलती है। भारत में व्यास नदी की लंबाई 625 किलोमीटर है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र 25,900 वर्ग किलोमीटर है। सतलज नदी। इसका उद्गम कैलाश श्रेणी के दक्षिणी ढाल पर स्थित मानसरोवर झील के निकट राक्षस झील 4,555 मीटर से होता है। यह हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है। यही दरमा दर्रा स्थित है। यह सतलज सिंधु की प्रमुख सहायक नदी है। भारत में इस नदी की लंबाई 1,050 किलोमीटर है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र 24,000 वर्ग किलोमीटर है। भाखड़ा और नांगल बांधों के कारण यह नदी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जास्कर और श्योक सिंधु की अन्य सहायक नदियां हैं। जास्कर श्रेणी जास्कर नदी का उद्गम स्थल है और लेह के समीप यह सिंधु से मिलती है। श्योक का उद्गम स्थल कराकोरम है और यह किरीस के समीप सिंधु से मिलती है। इसके अतिरिक्त द्रास भी सिंधु की सहायक नदी है और इसका उद्गम स्थल जोजिला दर्रा और देवसई के मध्य स्थित है। घग्गर या सरस्वती नदी। अंबाला जिले की सीमा पर स्थित सिरमौर की शिवालिक श्रेणी से
निकलती है और अदबद्री में प्रविष्ट होती है। भवनीपुर और बाल छापर के बीच यह नदी विलुप्त हो जाती है, किंतु करनाल के समीप फिर उभर आती है। घग्गर नदी शिवालिक श्रेणी ही से निकलकर कोरसुला, पटियाला और समीप में सरस्वती, हकरा या सुतार कहा जाता है। वैदिक नदी सरस्वती का वर्णन महत्वपूर्ण नदी के रूप में किया जाता है।